क्रशरी के माध्यम से रिजेक्ट कोल जनरेट होता है और वही कोयला खुले बाजार में बेचा जाता है। कोल वॉशरी से महाजनकों का करोड़ों का नुकसान हो रहा है और ये सब काम पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के इशारों पर हो रहा है, ऐसा आरोप प्रशांत पवार इन्होंने लगाया था। इस बात का खंडन करने के लिए चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने आयोजित पत्र परिषद में प्रशांत पवार पर तंज कसते हुए उन्हें इस बात की सही जानकारी नहीं है, यदि प्रशांत पवार के पास सही कागजात या सबूत हो तो वो मुझे दे, मैं कार्रवाई करूंगा, ऐसा चंद्रशेखर बावनकुले इन्होंने पत्र परिषद में कहा है। दर्शकों नमस्कार, इस समय भी बीसीएम की टीम प्रेस क्लब के पास में है। हम आपको बता दें कि कोलवाशरी को लेकर मुद्दा काफी गर्माया गया है, जिसके चलते आज राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले खुद इन्होंने एक पत्र परिषद किया और पत्र परिषद के दौरान जब मीडिया ने उनसे कोलवाशरी को लेकर कई सवाल किए तो उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है ऐसे जय जवान जय किसान के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत पवार, इन्हें नॉलेज नहीं है और वे बेतुकी बातें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्हें नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की ना कोई धांधली हुई है और कोल वॉशरी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह समय की मांग है, ऐसा चंद्रशेखर बावनकुले ने पत्र परिषद में कहा था। अब उन्होंने जिस प्रकार से आपने उसका खंडन किया है उसको लेते हुए अभी इस समय में हमारे साथ में जय जवान जय किसान के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत पवार खुद मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। प्रशांत जी, जिस प्रकार से आज चंद्रशेखर बावनकुले ने उल्टा आपके ऊपर में आरोप लगाया कि आपको कोलवाशरी को लेकर कोई भी नॉलेज नहीं है, बेतुकी बातें आप हमेशा करते रहते हो और यूं ही आरोप लगा के उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है, ये मेरा एक सवाल। दूसरा सवाल ये था कि कोलवाशरी करना क्या जरूरी है? अगर कोलवाशरी अभी जो हो रही है, कितने करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है ऐसा आपको लगता है? पहले तो बावनकुले साहब ने जो मेरे को बोला कि मैं बेतुकी बातें कर रहा हूँ और जो पढ़ाई करके आना चाहिए, मैं बावनकुले साहब को ये बताना चाहता हूँ कि 1989 में महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सबसे पहला कोल वॉशरी का अगर प्रोजेक्ट देने वाला ये प्रशांत पवार ही था, शायद उनको ये मालूम नहीं। दूसरा, मैंने कोल वॉशरी के चक्कर में पीएचडी की है, आप अगर मेरे को आधे रात को पूछोगे तो आधे रात को मैं पूरा डाटा बता सकता, जो कि बावनकुले साहब को भी वो डाटा मालूम है। दूसरा, जो महाजनको के एमडी थे मिस्टर सुब्रतो राठो, इन्हें एमएससीबी को उस वक्त एक रिपोर्ट दिया और वो रिपोर्ट में ये दिया हुआ है कि कोल वॉशरी ये फ्रॉड धंधा है। उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये बोल के उस वक्त के उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन एनर्जी मिनिस्टर अजीत दादा पवार ने 3 महीने की मुदत देके इमीडिएट वो कोल वॉशरी का काम बंद किया। उसके बाद ये कोल वॉशरी ऑपरेटर जो थे ये पूरे बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि कोल वॉश करने के लिए जो पैसे मिलते ये इनके लिए नगण्य है। इनको जो है बाहर बाजार में महाजनकों का कोयला बेचने में इनको प्रॉफिट है और ये कोयला धोने का कोई भी तात्पर्य नहीं है, क्योंकि आज महाजनकों के पास में इतने साल से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी महाजनकों की निर्मित हो रही है, बीज निर्मित वो का इसके पहले कभी भी कोयला धोने से कुछ कम हुई और ज्यादा हुई ऐसा कहीं हुआ नहीं है। प्रशांत जी, लेकिन एक सवाल ये भी उन्होंने कहा है कि अगर कोल जो है बाहर स्टेट से आता है, बाहर के राज्यों से आता है, देशों से आता है, और जब इंडिया में इतना बड़ा कोल का कामकाज है तो क्यों बाहर से लिया जाए, और जो भारत का जो कोल है उनमें काफी पत्थर से होते हैं, क्योंकि इसको प्यूरीफाई करके पूरा प्रोसेस करके इस कोयला का यूज किया जाता है, क्या आपको लगता है? ऐसा है, बाहर से जो कोयला आता है उसका जीसीवी 6,000-6,500 रहता है, उसका जो ऐश कंटेंट है वो कम रहता है, वो अपने यहाँ के बॉयलर में नहीं चलता, उसको अपने यहाँ का जो रॉ कोल है वो रॉ कोल में ये मिक्स करना पड़ता है। लेकिन ये भी एक बार ट्रायल हुआ था, इसमें भी पता चला कि ये अच्छे इम्पोर्टेड कोल में से कोयला बाहर निकाल के ये दूसरा कोयला उसमें आता और उससे ऐसा कुछ भी महाजनकों को फर्क नहीं पड़ा या कुछ भी बहुत ज्यादा खर्चे कम हुए ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये सब और सब पैसे कमाने के इसके माध्यम से भ्रष्टाचार होता है। मैं आपको बताता, ये जो इंडियन कोल है यही कोल अच्छे क्वालिटी का है, जैसे बावनकुले साहब ने बोला कि वो लोग ऐसा ही बोलते हैं, आज उनकी अगर रिपोर्ट वो बताती है तो फिर महाजनकों के लोग उनके ऊपर में क्लेम क्यों नहीं करते? इसके पहले तो क्लेम किया था उन्होंने,
ये कोल बहुत अच्छा आ रहा है, ये कुछ बोलने का है। हजारों करोड़ का घोटाला है। आज कोल वाशरी ऑपरेटर को जो 600 रुपए में रिजेक्ट कोल दे रहे, क्यों दे रहे उसको? ऑक्शन करो ना ओपन मार्केट में। आज 14,000 रुपए टन का कोयला है, आज कोयले की मारामारी चल रही है, आज पावर प्लांट में कोयला अवेलेबल नहीं है, क्यों कोल वाशरी ऑपरेटर को दे रहे? क्योंकि कोल वाशरी ऑपरेटर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं महाजनकों के अधिकारी को, हजार हजार दो दो हजार रुपए टन मिल रहा है, तो वो काहे को, उनको क्या लेना देना है कि कौन सा कोयला आ रहा है जा रहा है? इसकी पूरी जो जानकारी है ये अभी हम सीबीआई बीबीआई तो सब उनके पास है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इसका हम पीआईएल बहुत जल्दी करने वाले। मैं बावन गोयल साहब से आह्वान करता हूं कि सब मैंने कागज देने के बाद आने वाले जुलाई के 17 में उन्होंने ये इश्यू उठाना चाहिए। अगर ये इश्यू उठाएंगे तो हम बोलेंगे कि सही में बावन गोयल साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तो भी कितने करोड़ का भ्रष्टाचार है? ये साल का 5,000 करोड़ का है, और 1 महीने का 600 करोड़, क्या बोलते हैं, 600 करोड़ का, 7 से 8 हजार करोड़, ये एक साल का घोटाला है। और ये कम से कम नहीं कुछ तो 40 से 45 हजार करोड़ का ये घोटाला है, जो कि सुब्रतो राय ने 2011 में बोला था कि ये 600 करोड़ साल का है, तब कोयले की कीमत कम थी, आज कोयले की कीमत बहुत ज्यादा है। प्रशांत जी जाते जाते मेरा आखिरी का सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब जब सरकार था तो उनके कई उन्होंने जो उपाय जो सुझाया था उसको कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी ने सरकार ने दरकिनार कर दिया या उनके उपायों के ऊपर में कोई अमल नहीं किया, तो ये भी जो बात है ये उन्हीं के सरकार से चली आ रही है कोल की, तो इसको फिर जो अभी महाविकास आघाड़ी सरकार है उसको उसके ऊपर में अमल क्यों नहीं कर रही है, उनको फिर अलग क्यों नहीं कर रही क्या? अभी मैं पूरा वो रिकॉर्ड दे रहा हूं क्योंकि इन लोगों ने गलत रिकॉर्ड दिया था। मुझे जो पता चला कि महाजनकों के अधिकारियों ने बताया था कि नहीं नहीं ये सब बराबर है, लेकिन आज मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ के साथ कल मुंबई जा रहा हूं और कल मैं ये पूरा के पूरा बताऊंगा कि ये पूरा महाजनकों का कोयला महाजनकों के अधिकारी मिलके ओपन मार्केट में बेच रहे, जिससे महाजनकों का हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो आप थे प्रशांत पवार जिन्होंने बखूबी बेपर के साथ हर आरोपों का खंडन किया और उन्होंने ये बताया कि महाजनकों का जो कोयला है उसको महाजनकों के अधिकारी हजारों करोड़ में लाखों करोड़ में बेच रहे हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय। इस ओर महाविकास आघाड़ी सरकार ध्यान दे, राज्य के ऊर्जा मंत्री इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द ये जो बातें हो रही है जो कोयला चुराने की बात हो रही है या कोयले में जो बड़े पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, अगर इसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब कोयला ही इस दुनिया से नदारद होगा और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा। भ्रष्टाचार को यदि खत्म करना है तो इसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। प्रेस क्लब से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरा, बीसीएन न्यूज नागपुर।